नमस्कार बच्चों, आज हम त्रुटियों पर आधारित सवालों को हल करना सीखेंगे, जिसमें हम कई सारे प्रेक्षित मान दिए जाएंगे। उनसे हम उस भौतिक राशि का वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि, मान निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटियों को कैसे निकालते हैं, इसकी थ्योरी के बारे में हम पहले ही वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, तो वहाँ पर उसकी थ्योरी को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि इन सवालों को हम कैसे हल करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, इन सब त्रुटियों को कैसे निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है कि एक पतले तार का व्यास पैंच मापी से नापा जाता है। क्रमबद्ध मापन में तार के मान क्रमशः 2.04 मिमी, 2.06 मिमी, 2.08 मिमी, 2.07 मिमी और 2.05 मिमी है। ज्ञात करना है तार का माध्य व्यास, मापों में निरपेक्ष त्रुटियाँ, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो ये सब जो मान दिए गए हैं व्यास के, मतलब तार का जो व्यास है वो पैंच मापी से नापते हैं। कई बार नापने पर व्यास के जो तार का व्यास है वो हर बार अलग अलग आता है, तो ये सब इनके प्रेक्षित मान हो जाते हैं। तो व्यास को हम डी से लिखते हैं, जितनी बार नाप रहे हैं तो डी वन, डी टू, डी थ्री, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर तार का जो व्यास है वो 5 बार नापा गया है, तो पहला जो मान है वो डी वन से लिख देंगे, दूसरे मान को D2 से, तीसरे मान को D3 से, चौथे मान को D4 से और पांचवें मान को D5 से, जो भी चीज़ है उससे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर व्यास नाप रहे हैं तो हमें पता है व्यास को D से लिखते हैं, किसी सरल लोलक का आवर्त का ज्ञात करें तो उसे हम T से लिख सकते हैं। तो जिसको भी नापेंगे उससे हम उसका मान लिख सकते हैं। तो पहले पॉइंट में हमें निकालना है तार का माध्य व्यास। माध्य मान को ही उस भौतिक राशि का वास्तविक मान भी बोलते हैं, तो तार का माध्य व्यास या फिर वास्तविक मान। तो माध्य मतलब औसत, औसत निकालना तो हम लोग मैथ में पढ़े हैं। तो औसत जो निकाला जाता है, औसत निकालने के लिए जो भी हमें प्रेक्षण दिए जाते हैं उन सबको जोड़ दिया जाता है, और जितने प्रेक्षण हैं उतने का ही भाग। तो यहाँ पर 5 प्रेक्षित मान दिए जा रहे हैं, D1, D2, D3, D4, D5, इन सबको जोड़कर 5 का भाग करेंगे। D1 का मान 2.04 है, D2 का मान 2.06 है, D3 का मान 2.08 है, D4 का मान 2.07 है और D5 का मान 2.05 है। 5 पर डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आएगा 10.30/5, यानी जो प्रेक्षित मान है वो आ जाएगा, सॉरी प्रेक्षित मान नहीं बोलेंगे इसे, हम वास्तविक मान बोलेंगे, वास्तविक मान निकल के आ जाएगा 2.06 मिमी। तो व्यास को डी से लिखते हैं, माध्य मान को ही वास्तविक मान लिखते हैं, इसलिए हम सफिक्स में एम लगा देंगे, DM से लिखेंगे वास्तविक मान, या उसी को हम बोलेंगे माध्य व्यास। अब इन सभी मापों में हमें निकालना है निरपेक्ष त्रुटियाँ। तो सबसे पहले हम सब निरपेक्ष त्रुटियाँ सभी माप में अलग अलग होती हैं। जैसे सबसे पहली माप हम D1 में निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि, तो उसे डेल्टा D1 से लिखेंगे। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए जो उस भौतिक राशि का वास्तविक मान होता है यानी माध्य मान होता है, तो माध्य मान को DM से लिखा गया है। उसमें से जिस मान में निरपेक्ष त्रुटि निकालना है उस भौतिक राशि का मान घटा देते हैं। तो पहली माप में निकालना है तो DM में से D1 घटा देंगे। अब यहाँ घटाने के लिए माइनस चिन्ह आता है, माइनस चिन्ह लगा के यहाँ हमने डिफरेंस का चिन्ह लगाया है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इन भौतिक राशियों को हमें घटाना है और चिन्ह प्लस का ही आएगा। तो यहाँ पर DM का मान 2.06 है, D1 का मान 2.04 है, घटाएंगे तो 0.02 आएगा। इसी तरह से दूसरी माप में निकाले तो डेल्टा D2 से लिखेंगे DM डिफरेंस D2, DM का मान 2.06 है और D2 का मान 2.06 है, घटा देंगे तो वो घटाने पर 0 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरी माप में निकालें डेल्टा D3, तो DM डिफरेंस D3, DM का मान 2.06, D3 का मान 2.08। अब यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह लगा होता तो घटाने पर आता -0.02, क्योंकि माइनस की बड़ी होते, लेकिन यहाँ हमने डिफरेंस लगाया, इसका तात्पर्य केवल हमें घटाना है, चिन्ह प्लस का आएगा। इसी तरह से चौथी माप में निकालेंगे तो डेल्टा D4 से लिखेंगे, तो DM डिफरेंस D4, DM का मान 2.06, D4 का मान 2.07, घटाने पर आ जाएगा 0.01 मिमी। इसी तरह से पांचवी माप डेल्टा D5 से लिखेंगे, DM डिफरेंस D5, DM का मान 2.06, D5 का मान 2.05, घटाने पर आ जाएगा 0.01 मिमी। इस तरह से पांचों मापों में निरपेक्ष त्रुटियां निकल आएँ। अब इसके बाद हम निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो देखो माध्य निरपेक्ष त्रुटि किस तरह से निकालते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के को लिखते हैं हम डेल्टा DM से। निरपेक्ष त्रुटि के लिए आगे डेल्टा लगा देते हैं,
तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को लिखा जाएगा डेल्टा डीएम से। माध्य निरपेक्ष त्रुटि अर्थात निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य यानी औसत। तो निरपेक्ष त्रुटियाँ डेल्टा डी वन, डेल्टा डी टू, डेल्टा डी थ्री, डेल्टा डी फोर, डेल्टा डी फाइव है। इन सबका माध्य निकालना है तो इन सबको जोड़ के जितना होगा उतने का भाग कर देंगे। पाँच है संख्याएं तो पाँच का भाग, डेल्टा डी वन, डेल्टा डी टू, इन सब के मान रख के अपॉन में फाइव सबको ऐड किया, 0.06 आया अपॉन में फाइव। जब डिवाइड करेंगे तो 0.012 आएगा। लेकिन ये सभी मान हमें जो दिए गए वो दशमलव के दो अंक तक दिए गए हैं, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को भी हम दशमलव के दो अंक तक लिखेंगे तो 0.012 हटा देंगे। अब अगर यहाँ पाँच से बड़ा होता तो फिर आगे वाले अंक में एक जोड़ देते हैं, ये दशमलव की कंडीशन होती है। इसके बाद हम निकालेंगे अपेक्षित त्रुटि। तो अपेक्षित त्रुटि निकालने के लिए जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा डी एम और बटे उस भौतिक राशि का वास्तविक मान, तो भौतिक राशि का वास्तविक मान डी एम से लिखा गया है। तो डेल्टा डी एम का मान 0.01 आया और डी एम का मान आया था 2.06, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.005। तो इस तरह से हम अपेक्षित त्रुटि निकाल लेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए जो अपेक्षित त्रुटि निकल के आएगी उसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो अपेक्षित त्रुटि निकल के आएगी 0.005, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगी 0.5%। इस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं।